दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 30 डेज ऑफ नाइट फिल्म को। ये कहानी अलास्का के एक शहर की है जहाँ 30 दिनों के लिए सूरज गायब हो जाता है, जिसमें कि एक पत्नी अपने पति को खो देती है। उसका पति एक वैम्पायर बन जाता है। आखिर इस 30 दिनों में उनके साथ में ऐसा क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम अलास्का के एक टाउन को देखते हैं जहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर इवन और बिली महीने के आखिरी सनसेट को देख रहे होते हैं, क्योंकि इस दिन के बाद अब सूरज 30 दिनों बाद ही निकलने वाला होता है। असल में अलास्का में ठंडी के मौसम में 30 दिनों के लिए सूरज गायब हो जाता है। इसके बाद में ये दोनों पुलिस ऑफिसर टाउन की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि एक शिप से बाहर आया होता है। इसके बाद में ये स्ट्रेंजर टाउन की तरफ निकल जाता है। वहीं बिली और इवन को रास्ते में विल्सन मिलता है जिसका ट्रक खराब हो गया होता है, क्योंकि अब 30 दिनों की लंबी रात होने वाली होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग टाउन से दूसरे शहर जा रहे होते हैं क्योंकि वो सब अंधेरे में नहीं रहना चाहते। अब हम टाउन में उसी स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि टाउन के सभी डॉग्स को बुरी तरह से मार देता है। वहीं इवन को उसकी ग्रैंड मदर का कॉल आता है। वो बताती है कि उनके पड़ोसी जॉन के डॉग्स को किसी ने बुरी तरह से मार दिया। ये सुनकर के इवन अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि वो जल्दी वहां पर पहुंच जाएगा। इसके बाद हम इवन की वाइफ स्टेला को देखते हैं जो कि फायर डिपार्टमेंट में काम करती है और वो भी दूसरे शहर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए वो इवन को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है क्योंकि स्टेला एयरपोर्ट जाने के लिए काफी लेट हो रही होती है। लेकिन इवन कहता है कि वो नहीं आ सकता, इसलिए वो अपने दोस्त बिली को उसके पास में भेज देता है। इसके बाद में बिली जब स्टेला को लेकर के एयरपोर्ट पहुंचता है तो काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि शहर जाने वाला आखिरी जहाज भी वहां से निकल चुका होता है। अब स्टेला 30 दिनों के लिए इस अंधेरे रात में फंस चुकी होती है। इवन जब जॉन के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि डॉग को बुरी तरह से किसी ने मार दिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कौन कर रहा है। इसके बाद में इवन जॉन और उसकी वाइफ को संतुष्टि देता है कि वो जल्दी ऐसे कातिल को पकड़ लेगा। इसके बाद इवन अपने घर जाता है जहां पर उसकी ग्रैंड मदर और छोटा भाई जेक होता है। इवन की ग्रैंड मदर उसे एक और खबर देती है जो कि यूटिलिटी डोर से आई होती है। इवन तुरंत यूटिलिटी डोर पहुंच जाता है जहां पर विल्सन होता है। विल्सन बताता है कि किसी ने उसके जहाज को तबाह कर दिया है। ये देख करके इवन इतना तो समझ जाता है कि कोई ये सब जानबूझ के कर रहा है, वो नहीं चाहता कि कोई इस शहर से बाहर जाए। वहीं दूसरी तरफ हम गस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इस टाउन के बिजली डिपार्टमेंट को संभालता है। तभी गस को बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसके बाद में गस बाहर चेक करने के लिए जाता है। तभी उस पर अजीब से इंसान आकर के अटैक कर देते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। असल में ये सब के सब वैम्पायर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसी स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है और रेस्टोरेंट के वर्कर से बदतमीजी कर रहा होता है। वो उससे कच्चा मांस मांग रहा होता है। तभी वहां पर इवन आ जाता है और वो स्ट्रेंजर को बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन स्ट्रेंजर इवन से ही लड़ने लगता है। तभी पीछे से स्टेला स्ट्रेंजर पर आकर के गन तान देती है। इसके बाद में इवन उस स्ट्रेंजर को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है, लेकिन जब इवन उससे पूछताछ करता है तो वो कुछ नहीं बताता। वो बार बार यही कह रहा होता है कि अब सब लोग यहीं पर मरेंगे। वहीं हम तीन रिफाइनरी वर्कर्स को देखते हैं जो अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक को वैम्पायर अंधेरे में खींच ले जाता है। वैम्पायर इतना तेज होता है कि दूसरे वर्कर्स उसे देख नहीं पाते। तभी उनके साथी गिलास ऊपर से गिरती है। ये देख करके एक डर करके भाग जाता है और दूसरे के पीछे हम वैम्पायर को देखते हैं। वहीं पूरे शहर की लाइट अचानक से चली जाती है, जिसके बाद में इवन गस के पास जाता है जहाँ पर उसे गस का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। इवन ये देख करके डर जाता है और तुरंत ही टाउन में वापस आ जाता है। वो टाउन में आकर सभी को अलर्ट करता है और बताता है कि सब लोग अपने अपने घर में रहें। इवन की बात सुनकर के सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। वहीं जॉन के घर में एक वैम्पायर आ जाता है और उसकी वाइफ को खींच करके ले जाता है। इसके बाद में जॉन अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है जिससे कि वैम्पायर उसे भी घायल कर देता है। अब हम इवन को देखते हैं जो कि अकेले ही टाउन के बाहर चेक करने जा रहा होता है कि आखिर टाउन में क्या हो रहा है। उसके साथ में स्टेला भी जाती है। टाउन के बाहर जाने के बाद में स्टेला अचानक से गाड़ी रोक देती है। स्टेला दूरबीन से देखने लगती है। तभी वो किसी चीज को देख करके हैरान रह जाती है। वो इवन को तुरंत ही गाड़ी में बैठाती है और जल्द ही टाउन की तरफ वापस आने लगती है। तभी इनकी गाड़ी के पीछे से एक वैम्पायर इनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है, जिसे किसी तरह से स्टेला नीचे गिरा देती है। तभी रेडियो पर इवन को उसकी ग्रैंड मदर के चीखने की आवाज आती है। वो तुरंत ही स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। वहां चारों तरफ खून होता है। वो स्ट्रेंजर लेकिन वहीं पर होता है। वो इवन को बताता है कि वो उन सबको ले गए लेकिन मुझे नहीं ले गई। इसके बाद में अब इवन को यही लगता है कि उसने अपने भाई और ग्रैंड मदर को खो दिया है। वहीं हम वैम्पायर के लीडर मार्लो को देखते हैं जो कि सभी वैम्पायर्स को ऑर्डर देते
कहता है कि वो सभी इंसानों को मार दें। इसके बाद में सभी वैम्पायर इंसानों पर अटैक कर देते हैं और उनका खून पीने लगते हैं, और देखते ही देखते पूरा टाउन लाशों के ढेर में तब्दील हो जाता है। इसके बाद में स्टेला और इवन उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर अभी भी कुछ सर्वाइवल्स होते हैं। उनमें उनका भाई जेक भी होता है। जेक बताता है कि वैम्पायर्स ने उनकी दादी माँ को मार दिया है। इसके बाद में इवन सभी को घर के हिडन एटिक में रहने के लिए कहता है और खुद स्टेला के साथ स्टोर से जरूरी सामान लेने जाता है। लेकिन रास्ते में वैम्पायर उनकी गाड़ी पर हमला करके उनकी गाड़ी पलट देते हैं। लेकिन तभी विल्सन अपने ट्रक से आ जाता है और वो वैम्पायर को दबाकर मारने लगता है। इसके बाद में विल्सन स्टेला और इवन को अपने ट्रक में बिठा लेता है। इसके बाद में ये तीनों भी हिडन एटिक में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी लोग छिपे होते हैं। इवन सबसे कहता है कि हम कुछ दिन यहीं पर रहेंगे और बाद में स्टोर से सामान लेकर यूटिलिटी डोर चले जाएंगे और वहीं पर इस महीने को निकालेंगे। अब इन सभी को छिपकर रहते को 7 दिन हो जाते हैं और 7वें दिन इन्हें बाहर से एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए बुला रही होती है। इवन एक जगह से छिपकर बाहर देखता है, उसे सामने की छत पर वैम्पायर दिखते हैं। इससे कि वो समझ जाता है कि ये सब वैम्पायर का एक जाल है। लेकिन इवन फिर भी उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले वो वैम्पायर उस लेडी को मार देते हैं। तभी इवन को जॉन दिखाई देता है जिसे इवन बाहर निकाल लेता है। तभी जॉन कहता है कि उसे कच्चा मांस खाना है। ये सुनते ही इवन समझ जाता है वो भी वैम्पायर बन रहा है, क्योंकि जब जॉन अपनी वाइफ को बचा रहा था तभी वैम्पायर ने उसे भी घायल कर दिया था। अब जॉन इवन पर अटैक करता है, लेकिन इवन पास ही में पड़ी कुल्हाड़ी से जॉन के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद में इवन फिर से हिडन एटिक में आ जाता है। वहीं हम मार्लो को देखते हैं जो कि स्टेशन में जाता है और उस स्ट्रेंजर को थैंक यू कहता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। अब एक दिन बर्फीला तूफान आता है जिसमें छिपते हुए सभी सर्वाइवर्स स्टोर तक पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां पर एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि वैम्पायर बन चुकी होती है। वो इन सब पर अटैक कर देती है जिसके बाद में जैक कुल्हाड़ी से उस बच्ची को मार देता है। अब तूफान भी चला जाता है और इन्हें यहाँ छिपते हुए रहते हुए 18 दिन गुजर जाते हैं। अब इनके पास सभी जरूरी सामान होते हैं, लेकिन यूटिलिटी डोर तक पहुँचने के लिए किसी को वैम्पायर्स का ध्यान बटाना होगा। तभी जेक कहता है कि वैम्पायर्स को सूरज के अल्ट्रा वायलेट किरणें मार सकती हैं, और वो बताता है कि उसकी दादी के पास अल्ट्रा वायलेट लाइट है जिससे कि वो पौधे उगाती थी। ये सुनकर के इवन वैम्पायर का ध्यान बटाने के लिए तैयार हो जाता है। इवन जेक से कहता है कि मौका मिलते ही वो सभी को यूटिलिटी डोर ले जाए। इसके बाद में इवन कुल्हाड़ी लेकर के चीखते हुए अपने घर की तरफ भागने लगता है, जिसके बाद में वैम्पायर भी इवन का पीछा करने लगते हैं। इवन किसी तरह से अपने घर पहुंच जाता है और वो किसी तरह से जनरेटर स्टार्ट कर लेता है, लेकिन इवन के घर के चारों तरफ अब वैम्पायर्स होते हैं। तभी मार्लो अपनी एक फीमेल साथी को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो फीमेल अंदर जाती है तभी इवन लाइट को जला देता है जिसकी रोशनी से वैम्पायर बुरी तरह से जल जाती है। इसके बाद में इवन घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वहीं बाकी के लोग इसी तरह से छिपते हुए स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां पर स्टेला देखती है कि स्ट्रेंजर को भी उन वैम्पायर्स ने मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ मार्लो अपनी फीमेल साथी को तड़पता देख करके उसे मार देता है। अब विल्सन कहता है कि अब ध्यान बटाने की बारी उसकी है और वो अपने ट्रक से वैम्पायर्स को मारने लगता है, लेकिन उसका ट्रक एक घर से जाकर के टकरा जाता है और वैम्पायर्स भी उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी विल्सन अपने पास मौजूद बारूद में आग लगा देता है जिससे कि वहां पर बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन विल्सन ब्लास्ट में बच जाता है। तभी वहां पर मार्लो आ जाता है और वो विल्सन को मार देता है। वहीं इवन भी स्टेशन पहुंच जाता है। तभी इवन को कोई लाइट से सिग्नल लेता है जिसके बाद में इवन उसके पास जाता है। वहां देखता है कि वो बिली है जिसने अपनी बेटी और वाइफ को मार दिया क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गए थे। इसके बाद में इवन और स्टेला बिली को लेकर के स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। इवन को यही लगता है कि जेक सभी को लेकर के यूटिलिटी डोर पहुंच गया होगा। इसके बाद में इवन बिली और स्टेला छिपकर यूटिलिटी डोर की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में स्टेला को एक बच्चा दिखता है जिसके पीछे वैम्पायर होता है। स्टेला बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वैम्पायर उन्हें देख लेता है जिसके बाद में इवन उसे मार देता है। लेकिन इवन स्टेला और बिली ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद इवन किसी तरह से यूटिलिटी डोर पहुंच जाता है जहां पर उसे जेक और बाकी के लोग मिलते हैं। बिली भी यूटिलिटी डोर आ जाता है, लेकिन बिली के पीछे पीछे एक वैम्पायर अंदर आ जाता है। तभी बिली वैम्पायर को क्रस मशीन में धकेल देता है, लेकिन बिली का एक हाथ उससे कट जाता है जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए इवन बिली को मार देता है। इवन देखता है कि स्टेला अभी भी यूटिलिटी स्टेशन नहीं पहुंची।
वो स्टेला को रेडियो पर आवाज़ देता है, जिसके बाद में स्टेला बताती है कि वो पुरानी गाड़ी के नीचे है और उसके चारों तरफ वैम्पायर्स हैं। वहीं मार्लो अपने साथियों को आदेश देता है कि वो पूरे टाउन को जला दे, जिससे कि वैम्पायर्स की सच्चाई किसी को पता ना रहे। इसके बाद में वैम्पायर तेल की पाइप को फोड़ देते हैं, जिससे कि तेल चारों तरफ फैलने लगता है। इसके बाद में मार्लो उसमें आग लगा देता है। इवन ये देखकर समझ जाता है कि स्टेला अब नहीं बच पाएगी, क्योंकि अगर वो गाड़ी के नीचे रही तो वो जल करके मर जाएगी, अगर वहाँ से बाहर निकली तो वैम्पायर्स उसे मार देंगे। और आज आखिरी दिन होता है, क्योंकि आज के बाद अगले दिन सूरज निकलने वाला होता है। इसलिए इवन स्टेला को बचाने के लिए खुद वैम्पायर बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वैम्पायर वैम्पायर से ही लड़ सकता है। इसके बाद में इवन बिली के ब्लड को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और वो भी वैम्पायर बनने लगता है। इसके बाद में इवन बाहर जाकर के वैम्पायर के लीडर मार्लो से लड़ने लगता है। अब जैसे ही मार्लो इवन को मारने आता है, इवन अपना हाथ मार्लो के मुंह के आर पार निकाल देता है, जिससे कि मार्लो मर जाता है। इसके बाद में बाकी के वैम्पायर इवन से डरकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद में सभी बचे हुए सर्वाइवर्स बाहर आ जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सूरज निकल आया होता है और इवन स्टेला की गोद में लेटा होता है। सूरज की किरणों से इवन जलने लगता है और वो अपनी वाइफ के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। और इसी के साथ में इस मूवी का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।